हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राजस्थानी जायका चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं इंदौरी पोहा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौरी पोहा बनाने के लिए पहले हमें इसका एक खास मसाला तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। अब हम इस कढ़ाई में 3 टुकड़े सूखी लाल मिर्च के डाल देंगे, 1 बड़ा तेज पत्ता डाल देंगे, 1 काली इलायची डाल देंगे, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, 3 लौंग डाल देंगे, थोड़ा सा टुकड़ा जावित्री के फूल का डाल देंगे, छोटा टुकड़ा जायफल का डाल देंगे, 2 हरी इलायची डाल देंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच सौंफ डाल देंगे, 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। अब इन सब को 2 मिनट के लिए रोस्ट कर देंगे। मसालों को रोस्ट करते टाइम गैस की फ्लेम को आपको लो पर रखना है। 2 मिनट हो गए हैं इसको रोस्ट करते हुए, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इन मसालों को बाहर निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। जब तक मसाले ठंडे हो रहे तब तक हम पोहा धो लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप पोहा लिया है, अब इसको धो लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करें। ये देखिए, इसका सारा स्टार्च जो है वो निकल गया है। अब हम पानी को अलग कर देंगे। यहाँ पर एक बाउल में मैंने छन्नी लगा दी है, अभी सारा पानी इसमें डाल देंगे। अब हम ये पोहे वापस इसमें डाल देंगे। अब हम पोहे में थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना, हल्के हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लें। ये देखिए, हमने हल्दी और नमक को पोहे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर जो मसाले हमने रोस्ट किए थे वो ठंडे हो गए हैं। अब ये मसाले हम जार में डाल देंगे। ये सारे मसाले जार में डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक डालेंगे। इन सबको पीस कर इसका एक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हमने मसाले का पाउडर बना दिया है। ये देखिए, इसको रखेंगे साइड में। अब हम पोहा के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। ये देखिए, तेल गरम हो गया है। अब गैस की फ्लेम को लो पर कर दे। अब हम इसमें थोड़े से पीनट्स डालेंगे, 4-5 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से सरसों के दाने डालेंगे, थोड़े से फ्रेश करी पत्ता डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज लिया है और 2-3 हरी मिर्ची काट ली है बारीक बारीक, की डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे। जब चीनी अच्छे से घुल जाएगी तब हम इसमें पोहा डालेंगे। ये देखिए, चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हमने जो पोहा धो के रखा था वो इसमें डाल देंगे। पोहे को अच्छे से मिक्स कर ले तड़के में। अब हमने जो मसाला रोस्ट करके पीसा था वो इसमें थोड़ा सा डाल देंगे।
बाकी जो मसाला बचे वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे और थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। ये देखिए हमारा इंदौरी पोहा तैयार है, इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। अब हम इस पर थोड़ी सी रतलामी सेव डालेंगे, थोड़ा सा रोस्टेड मसाला पाउडर और डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे कटा हुआ धनिया। अब इसको सर्व करेंगे। ये देखिए तैयार है हमारा इंदौरी पोहा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।